You're talking about is this route. This is very bad. Yes. You come to Mahe, take Mahe. This route. Okay. अच्छा ये ठीक है. हाँ. ये इसमें दो passes पड़ेंगे. हाँ. ये लाइट पड़ेगी. You come out at Chishul. ये गलत घुसा दी. ओ भाई ओ भाई 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 नहीं 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 ये नीचे लग जाएगी इधर से feet. कुछ तैयार होने के बाद ऐसी लग रही है गाइस और अभी पेट्रोल के कैंस यहीं पे पड़े हुए हैं. हाय गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले. कल का हमारा पूरा दिन हमने ले में स्टे लिया हुआ था इसलिए ताकि थोड़ा सा क्लाइमेट भी अडॉप्ट हो जाए. फिर भी अभी भी जैसे ही हम थोड़ा सा चलते हैं इधर उधर तो सांस चढ़नी स्टार्ट हो जाती है. वो चीज़ फील होती है कि आप हाई अल्टीट्यूड पर हो. अभी आज का हमारा जो प्लान बना है वो रहेगा कुछ ऐसा. हमने यहाँ से निकलना है सीधा हानले के लिए. हानले में ऐसा होता है कि 270 नाइट्स क्लियर नाइट्स मिलती हैं. मिल्की वे गैलेक्सी आप अच्छे से देख सकते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और अगर कोई अच्छा इक्विपमेंट कैमरा वैमरा हो तो आप कैप्चर भी कर सकते हैं. तो सफ़र हमारा कुछ 224 किलोमीटर्स का था. आर यू रेडी ब्रो? यस ब्रदर, रेडी फॉर दी रेडी. रेडी फॉर दी व्हाट? रेडी फॉर. पहले पेट्रोल के वो कैंस बांधते हैं तो उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं. यस, गैलन्स बांधते हुए हमें कुछ आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा है यहाँ पे. देखो क्या क्या किया हमने जुगाड़. शुक्र है बंजी रोप्स पास थी हमारे. टाइम हो गया 7:16. ओके, इट इज़ नॉट 224 किलोमीटर, इट्स 254 किलोमीटर्स फ्रॉम ले टू हानले. इतनी लाउजी सेल्फ मारी मैंने. सीधा हो जा भैया, मुझे टिंगी टेढ़ी चीज़ें पसंद नहीं. विलास अभी सबक याद कर रहा है. यहाँ से कहाँ राइट घूमूं? गूगल वाली का दिमाग ख़राब हो गया है. बोल रही है राइट 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 और वहाँ से आगे गेट. ये लो जी विलास का वो गिर गया पैनियत. लॉक नहीं था लगाया वो. चल कोई नहीं. हानले हाईवे पे हम लग गए हैं. यही रोड हमें सीधा लेके जाएगी हानले की तरफ. पर ये बोर्ड आगे लगा हुआ है इसके ऊपर मेंशनड ही नहीं है कि हानले नाम की कोई जगह भी है नहीं. सीधा ये सीधा जी. बहरे होके चलते हैं. जहाँ जहाँ ह्यूमंस बसे ना वहीं वहीं उन्होंने पेड़ पौधे लगाने स्टार्ट किए. जैसे ही ह्यूमंस की जो सेटलमेंट्स हैं वो ख़त्म होती हैं लालच स्टार्ट हो जाती है वहाँ से. ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन जितनी भी मोनेस्ट्रीज हैं मैक्सिमम ऐसे ही हैं वो. Thank you.
ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, हमने खड़े होके यहाँ पे अच्छे से जो है सेटिंग वेटिंग कर ली है, सुसु करना स्टार्ट हो गई है। गिलास को इधर मोड़ के रख देते इसको, अब करती रहे आराम से। यहाँ से ये जो लेफ्ट जा रही है ये जाएगी पैंगोंग लेक, और ये जो राइट पे जा रही है ये जाएगी हनले। हनले से ज़्यादा दूर नहीं है उमलिंगला पास, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। तो कुछ ऐसे ना, कुछ ऐसे टन टन आ रहा है दिमाग में, आवाज़ आ रही है, पर मसला ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन का ना थोड़ा ज़्यादा सीन होगा। वो पता है कितनी हाइट पे, पता है कितनी हाइट पे, वो 19,000। रुकना तो नहीं है, वैरायटी है मेरे साथ एक। मैं आज ही उमलिंगला कर लेते हैं, बोलता है नहीं उसका थंबनेल अलग चाहिए, व्लॉग अलग चाहिए। हनले हियर वी कम, आजा। अब इंशाल्लाह पॉसिबल स्टॉप होगा हमारा 100-150 किलोमीटर करने के बाद ही। रोड ऐसी ही रहे तो अल्लाह करे सफ़र हमारा अच्छा चला जाएगा। बाकी ये बात शहजाद भाई की एकदम सच निकल के आ रही है कि भाई ये लाल पहाड़ को देख 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 के तुम लोग पक जाओगे, थक जाओगे। तो ये मिलिट्री स्टेशन है कारू में, त्रिशूल वॉरियर्स, और ऐसी जगहों पे हमेशा ये देखो स्पीड बम्प्स होते हैं, और ये स्पीड बम्प्स इतने गंदे होते हैं ना, इतने गंदे भाई, एक तो फ्लो भी तोड़ देते हैं, ऊपर से अंदर से हिला देते हैं। ये हमारा आज का पहला ऑफ रोड पैच है, खैर इतना लंबा ऑफ रोड पैच नहीं है, बट स्टिल आई कैन नॉट अफोर्ड दिस। विलास बोल रहा है उसको दराबा, अपने अपने घर की याद आ गई, अपने घर वाली रोड की। अभी तो हनले पहुंचे नहीं है, हनले ने एडवेंचर्स पहले से दे दिए हमें। ठीक है, मैं इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकता ऑफ रोड क्योंकि मैंने वो गैलेंस बांधे हुए हैं, और वो ऐसे कच्चे से हैं भाई पीछे, उनका कुछ भी पता नहीं है कि वो कब कहाँ खिसक लें। हम जा रहे हैं हनले, हनले 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 जा रहे हो? हाँ क्यों, मनाली वाली बंद है? सच्चू में ब्रिज टूट गया है। ओह शिट, हनले तो जाओ खुले। ओके हाँ, ओके थैंक यू। आगे कोई ब्रिज है जो मनाली के लिए जाती है रोड, वो ब्रिज जो है टूट गया है, इसीलिए यहाँ से मनाली निकलना अब मुश्किल है। तो इतना लंबा जाम ट्रक्स का ये उसी के कारण लगा हुआ है। अभी जहाँ हम पहुँचे इस जगह का नाम है उपशी। माहे 114 किलोमीटर्स। यहाँ पे ओके परमिट के लिए रोका है, मैंने सोचा कि कुछ और इशू हो गया कि आगे रोड बंद हो। चलो जी, पास हमने दिखा दिया अपना परमिट, लोमा न्योमा चुमाथंग एंड देन हनले। ओके 201 किलोमीटर है मनाली चंडीगढ़ सारचू, हमने जाना नहीं है। तो आई वंडर के जब यहाँ पे ऐसे ये वाले पहाड़ हैं ना, जो इनके ऊपर जब बर्फ पड़ती होगी तब ये क्या लगते होंगे यार। विलास 2 मिनट गया हुआ था तो मुझे यहाँ पे एक राइडर दिखा है। यस, आप कहाँ पे जा रहे हैं? हनले। ओके इतने नजदीक आए हुए हैं तो सोच रहे हैं कि उमलिंगला कर लेते हैं। कितनी दूर है वहाँ से? 2 घंटा
कर लो, उमलिंगला कर लो, लेकिन फ्यूल मेक श्योर यू गेट फुल एवरीथिंग। सरचू में ब्रिज टूट गया ना, हाँ, तो उससे फ्यूल आना बंद हो जाएगा। ओ, अब जितना फ्यूल बचा है वो अपने अपने पास होना चाहिए। यहाँ से पेंगोंग खराब है क्या? यहाँ से खराब है, बट माहे है ना, हाँ हाँ, माहे से देयर इज अ पास दैट टेक्स यू टू त्रिशूल। पिक्चर या शूट? इसलिए फोटो खींच लेना। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस रूट, दिस इज वेरी बैड। यस, यू कम टू माहे, टेक दिस रूट। ओके, अच्छा है, ठीक है। हाँ, ये इसमें दो पासेस पड़ेंगे, हाँ, ये लाइट पड़ेगी, यू कम आउट त्रिशूल, फिर ये रोड तो खराब है। हाँ, इंस्टेड ऑफ दिस जो ब्लैक बेसिकली रेड कहते हैं ऑफ रोड है, हाँ, ब्लैक टारमैक है, लेकिन ये वाला टारमैक नहीं है। हाँ, दिस इज वेरी बैड रोड। ओके, ठीक है ना, एंड हैव अ ग्रेट जर्नी। यू टू, एंजॉय, सी यू, थैंक यू, कल मिलेंगे जरूर जरूर जरूर। यहाँ से हानले तक रोड अच्छी है, यही सुनने को आया है हर साइड से। रानी बाग, ओहो, सिंगल रोड पे लग गए हम तो, इंडस रिवर के साथ 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 चलते जाएगा ये हमारा पूरा सफ़र ऑलमोस्ट। पहले लग रहा था मुझे कि कैंस गैलन्स कैरी करना जो है बड़ा गंदा सा एक डिसीजन रहा है हमारा, पर एक सेकेंड में उमा 105, तो जैसे ही मैंने वो जो राइडर हमसे मिले उनकी बात सुनी, लगा कि या इट वाज अ गुड डिसीजन, इट वाज अ ग्रेट डिसीजन टू कैरी द पेट्रोल कैंस विद अस। अगर हम जल्दी हानले पहुंच जाते हैं तो हम उमलिंगला पास करके आ जाते हैं। ये मतलब एक जगह पे है, यहाँ से ऐसे वो उधर तक पूरा ऐसे पहाड़ बीच में अलग कलर का। वेलकम टू इंडस कैफेटेरिया। ये क्विक स्टॉप लिया था हमने यहाँ पे, दिस इज माहे, और यहाँ से ये जो ऊपर रोड मुड़ रही है ये रोड हमें रेकमेंड की थी जो जाके पेंगोंग निकलेगी। यहाँ से ऊपर पेंगोंग कितना निकलता है? हाँ, रुक के पूछ लेते हैं। 160, वो 104। माहे से पेंगोंग चुशुल जाके निकलेगा ये। पीछे बोर्ड लगा हुआ था, यू माइट फाइंड स्नो लेपर्ड्स। We have just crossed Neoma. मैं होता हूँ बोर, सच बता रहा हूँ, मैं इनको देख देख के बोर होता हूँ। पहले जब द्रास से आगे आए थे तो ये देख के बड़े मस्त लग रहे थे, ठीक है, तो उसके बाद दो ही चीज़ें दिखाई दे रही, मिलिट्री बेसिस और ऐसे पहाड़ सड़े हुए। तो नहीं, ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा भी आ रहा है, बट एक चीज़ अगर इतनी ज़्यादा दिखाई दे और ये है वो पेट्रोल पम्प, तो इंसान पक जाता है। ओ भाई, मसला वही हुआ है जिसका डर था कि एक पेट्रोल पंप है नियोमा में और उस पे पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, इट्स नॉट श्योर, और हम उसके बिना यहाँ से आगे कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते। तो ये फ़ोन सैटेलाइट पे चल रहा है सर, क्या पेट्रोल पंप से विलास के कहने पे हमने पेट्रोल नहीं डलवाया है और उसी की बाइक ने ज़्यादा पेट्रोल भी खाया है। वहाँ पे मिल जाएगा, हानले में ब्लैक में मिलेगा। अभी लोमा से कुछ ऑलमोस्ट हम 5-10 किलोमीटर दूर होंगे और यहाँ पे हमें रोड साइड ऐसे लेक बनी हुई दिखाई दे रही है। ये इतना ज़बरदस्त और क्लियर वाटर है, ब्लू डैम। भाई ये तो पूरी मशीन डूबी हुई है, मुझे तो ये हल्का फुल्का लग रहा था, इतना गहरा नहीं होगा, पूरी की पूरी मशीन डूबी हुई है उधर तो।
दिस इज हानले, दिख गया आगे छोटा सा गांव टाइप है कुछ, हानले 0 किलोमीटर, वे टू उमलिंगला 92 किलोमीटर्स वाया फोटला टॉप। ये रोड ऐसी ही है तो हमें थोड़ा सा केयरफुल चलना पड़ेगा। आफ्टर फाइंडिंग अ होम स्टे हमने सामान वहाँ पे रखना है एंड देन विल गो टू द उमलिंगला पास। हमने क्रॉस किया अभी हानले ब्रिज, ये एक रोड साइड आते ही होम स्टे दिखा, इसमें पूछते हैं। पहली वाली जगह पे भी नहीं मिला होम स्टे, दूसरी पे भी नहीं मिला, तीसरी पे भी नहीं मिला, चौथी पे भी नहीं मिला, पांचवी पे जाके कुछ हुआ हो विलास से पूछता हूँ। हाँ, चार बेड हैं, पर बेड 1000 ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूडेड। ले लेते हैं यार, हाँ ले लेते हैं यार। कौन सा वाला है, ये वाला? ये हमारा आज रात का स्टे है, यहाँ पे ला के हम अपना सामान वगैरह रखते हैं और उसके बाद विल हेड टूवर्ड्स द हाईएस्ट मोटरेबल पास। यहाँ पे कुछ हमारा था 10-15 मिनट का स्टे, जिसमें हमने अपना सारा सामान लगेज उतार के अंदर रख दिया और अभी हमारा सफ़र जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि बिल्कुल ही अनप्लान्ड है अभी तक भी। कैसे मोड़ूं इसको, चाबी कहाँ रख दी अब। लेट्स गो वे टू उमलिंगला हानले। ओके, इस विलेज का अल्टीट्यूड है 15,000 फीट का। हमें टाइम मैनेजमेंट हमसे अच्छे से नहीं हो पाई, तो हम वहाँ पे एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी आला किस्म की ऑब्जर्वेटरी है फॉर द सेलेस्टियल बॉडीज। एक और बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ यार, जितना एक्सेलरेटर दे के मैं यहाँ पे चला रहा हूँ ना इस बाइक को, उतना अगर आप किसी नॉर्मल सिटी में दोगे तो ये बाइक 100-120 चली जाएगी। यहाँ पे ये इसकी पावर मुझे लिजिट ऐसी फील हो रही है जैसे मेरे पास सुपर स्प्लेंडर होती थी और स्प्लेंडर प्लस होती थी, वैसी उन बाइक्स की पावर थी वैसी इसकी पावर है। ये तो अभी ये देखो फुल एक्सेलेटर है। वैसे मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा अगर कोई वीडियो देख रहा है कि एक ही दिन में आपको ले से ट्रैवल करना है सीधा उमलिंगला, दिस इज़ फ्रीकिंग इनसेन, मैं कहूँगा इनसेनिटी। 255 किलोमीटर्स वो, 90 किलोमीटर्स ये, और 90 और लगा लो इसके वापस आने के। हमने ऐसे घुसा लिया अब ऑफ रोड, कौन ऐसे मोड़ काट काट के जाए। ये शॉर्टकट्स ले रहे हैं हम यहाँ से यार, लॉन्ग कट्स पे नहीं जाने होता अब। ये गलत घुसा दी,
ओ भाई ओ भाई 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 नहीं 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 चढ़ा चढ़ा मैं दबाता हूँ ठीक है विलास बैठ कर वापस लेके आ नीचे से इसलिए विलास को मैंने वापस घूम के वहां से अब हम ऐसे वाला शॉर्टकट कोई नहीं लेंगे तो सीधा मुंह लग के सीधे वाले रास्ते से चलेंगे पहले हवा चल रही थी तेज़ तेज़ अब हवा भी चलनी बंद हो गई है ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कुछ ठंडा ठंडा फील हो रहा है भाई कुछ नहीं है दूर दूर तक कोई इंसान का बच्चा नहीं है कोई कुछ भी नहीं है पीछे एक आर्मी की पोस्ट थी उस पर दो तीन आर्मी वाले थे ऐसी ड्यूटी पे अगर मैं फंस जाऊँ ज़िंदगी में मैं तो दूसरे दिन गिव अप कर दूँ अभी भी यहाँ पे इसलिए हौसला बना हुआ है हमारा क्योंकि हमने कल वापस जाना है वाओ क्या नज़ारे हैं क्या नज़ारे हैं यार ऐसा लग रहा है मार्स पे बाइक चला रहा हूँ मैं यार मैं क्या बोलूँ इतना नॉस्टैल्जिक है ना ये इलाका इतना नॉस्टैल्जिक कि बंदे को ज़िंदगी के होने पे भी रिग्रेट करा देगा एट द सेम टाइम अमेज भी करा देगा फैसिनेटिंग भी लगेगा सब कुछ एक मिक्स्ड फीलिंग है इन द मिडल ऑफ नोवेयर वी हैव अ कैफे हियर एंड देयर सो वापसी पे श्योरली हम रुकेंगे कैमरा तो जस्टिस नहीं करने वाला है पर वो पहाड़ के ऊपर कुछ ऐसे कच्चे कच्चे मकान है बंकर से आर्मी के या क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा वाइल्ड हॉर्सेस वाओ व्हाट अ व्यू वी आर अप्रोचिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास और मेरी एनर्जी फिर से वापस आ रही है जो पिछले 80 किलोमीटर से ख़त्म हुई पड़ी थी डैम चौक 41 किलोमीटर आई थिंक डैम चौक वो पॉइंट है जहाँ से जो चाइना की बॉर्डर है वो दिखाई देती है और व्लॉग तो मेरा जाएगा भैया 30-35 मिनट का तो डालूँगा मैं ये व्लॉग किसी ने ना देखा ज़िंदगी में खुद बैठ के देखूँगा कि मैं कहाँ कहाँ से घूम के आया हूँ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड अच्छा 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर बच गया यहाँ से आगे अब जाके विलास उड़ना शुरू हुआ है कहीं पास पहुंच के ना दबकार लग जाए आए हाय वी आर एट द उमलिंगला टॉप आते ही टाइम मैं व्लॉग में 10 बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि हम उमलिंगला पास भी चल के आते हैं क्योंकि हनले से इतना पास आगे अगर हम वापस जाते पास मतलब 90 किलोमीटर हमारे लिए पास ही था पर लिटरली अब हम थक चुके हैं अब वो एनर्जी वो क्षमता नहीं बची है कि यहाँ से वापस बाइक राइड करके जाएंगे ये है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हुई है ये पूरी रोड जिस पे हम राइड करके यहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक यहाँ पे ये किसी ने स्टिकर्स लगाए हुए हैं
जितने बंदे यहाँ पे आते हैं सबके स्टिकर्स लगे हुए हैं, पर एक एक चीज़ की मुझे जो कमी है, और विलास को दो चीज़ों की, एक इंटरकॉम और एक स्टिकर्स। चलो हम गोना पोस्ट दिस व्लॉग एज दिस कम टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास इचिसुमले डेंचोक रोड उमलिंगला 19,024 फीट। भाई मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। क्लिक बेट नहीं लगना चाहिए लाइक दिस। आपका नाम? विकास। विकास भाई आप कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से। और आप? मेरा मनीष भाई, हरियाणा। मनीष भाई और ये हरियाणा से हैं। आज के लिए ये हमारे रूममेट भी हैं। इन्होंने यहाँ पे चाय बना ली है, और ऐसी जगह पे ऐसी ठंड में चाय मिल जाए, इससे ऊपर क्या चाहिए ज़िंदगी में? कुछ और नहीं चाहिए, चाहिए कुछ। चीयर्स। चीयर्स विलास। चीयर्स। मीन्स खूबसूरत। अच्छा किया आ गया यार। यहाँ कब कब वापस आए जिंदगी में? दिस मोमेंट आई विल रिमेम्बर माई होल लाइफ। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पास। हमने अपनी बाइक भी वर्ल्ड्स हाईएस्ट पार्किंग में पार्क की। अब वापस ना ना कुछ नहीं रहा, बस यादें रह गई हैं। जिस रास्ते से आए हैं उसी से वापस जा रहे हैं, और ये बहुत दूर है। इट्स फ्रीकिंग 90 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। टाइम देख ले टाइम एक बार भाई। अंधेरे की बात नहीं है, 8:56। ओ यार लाइक कि हम किसी और प्लेनेट पे हैं भाई। मुझ पे यकीन नहीं आ रहा भाई, आज मोटरेबल पास करके आ रहा हूं एक दिन में, ले से हानले, हानले से उमलिंगला पास। फ्रेश हुए जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकला, देखा एकदम मिल्की वे क्लीन एंड क्लियर दिख रही है। द हानले इज फेमस फॉर इट्स 270 नाइट्स, क्लियर नाइट्स, जिसमें स्टार गेजिंग कर सकते हो और पूरी मिल्की वे के नज़ारे उठा सकते हो। अभी मैं कोशिश करूँगा मिल्की वे को कैप्चर करने की अपने इस एक्शन कैमरा से और इधर अपने फ़ोन से। पर अगर किसी चीज़ ने भी वर्कआउट नहीं किया स्टिल, मैं तो एक्सपीरियंस करके जा रहा हूँ, और मैं सबसे यही बोलूँगा कि हानले में आओ, एक रात को रुको और ये चीज़ एक्सपीरियंस करके जाओ यहाँ से। चांद होता तो और ही मज़ा आ जाता, पर तारों को देखने का अलग ही स्वाद है। मिल्की वे के मैंने कुछ शॉट्स लेने की कोशिश की, इससे वीडियो बनाने की भी कोशिश की, और वो अच्छे से नहीं आई। मैंने जो भी शॉट्स लिए वो मैं आगे ऐसे स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, सभी देख लो।
कल का हमारा क्या प्लान रहने वाला है वो अभी तक डिसाइड नहीं किया. आज हमने कुछ 450 किलोमीटर्स का ऑलमोस्ट सफ़र किया है. वी आर टायर्ड, अभी सोएंगे. नो एडिटिंग, नथिंग एट ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय.